सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए कुछ कमेंट आपने किए हैं पिछले वीडियोज़ में, उनका जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों, जो पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, मैं स्टेटस खोल के रख दिया हूँ। आधार इज वेरीफाइड दिखा रहा है लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट दिखा रहा है। अब इसका क्या कारण है, ये आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों, इसका मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो इस तरह का कुछ दिखा रहा है कि फर्स्ट पेमेंट जो है रोक दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, तो ये क्यों ये हो रहा है जबकि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक दिखा रहा है, आधार नंबर इज वेरीफाइड दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूँ, जो पीएफएमएस होता है यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, इसके पास हमारा केवल बैंक की डिटेल और आधार नंबर होता है। ये बैंक के एक हिसाब से, बैंक जो कि पेमेंट हमें भेजता है, जो गवर्नमेंट जो पैसा देती है सब्सिडी, पीएफएमएस वो सब्सिडी हमें भेजता है, पीएफएमएस के माध्यम से वो सब्सिडी हमें मिलती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रोके जाने से क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो स्टेटस में पूरी जानकारी दिखा रहा है, ये पीएफएमएस वाली जानकारी आपको दिखा रहा है। जैसे कि आपका आधार नंबर हो गया, ये भी पीएफएमएस के पास है, ये उन्होंने चेक कर लिया ये सही है। जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये भी सही है क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया है और उनके पास ये मौजूद है। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की डेट उनके पास चली गई है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जब उनके पास फॉर्म गया होगा तो उन्होंने सारी जाँच की है, उसके बाद यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन डेट उनके पास से आ गई। और जब उन्होंने एक्टिव कर लिया अकाउंट, जब उनके पास चला गया तो यहाँ एक्टिव का भी उसके बाद आ गया। और जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है यानी कि उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया की है, इसको एक्सेप्ट किया है, यहाँ उसकी डेट भी आ गई है। तो दोस्तों, उसके बाद आधार का स्टेटस भी उन्होंने चेक किया, आधार नंबर सही है या नहीं है, तो उन्होंने वो चेक किया, तो आपका आधार चेक किया तो आपका नाम उसमें सही आ गया है, आपका उसमें जो बैंक अकाउंट है आपका वो लिंक हो रखा होगा तो यहाँ भी आ गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट क्यों रोकी गई है। पेमेंट रोकने के आपके अलग अलग कारण हो सकते हैं, या तो आपका जब आप आवेदन करते हैं, मैं आपको ये फॉर्म बता देता हूँ आवेदन का फॉर्म, तो जब आपने आवेदन किया होगा तो यहाँ जो आपकी जो ओनरशिप की जो डिटेल आप भरते हैं, लैंड होल्डिंग डिटेल जो भरते हैं, इसमें आपकी जो जानकारी है वो हो सकता है कोई जानकारी गलत गई हो, यानी कि जैसे कि आपने फॉर्म भरा हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हो सकता है उसमें आपने ज्वाइंट के बदले सिंगल रहने दिया हो, या आपने यहाँ ध्यान न दिया हो, और या आपका जो सर्वे नंबर है या जो खसरा नंबर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये पहला तो आपका इस तरह से रोकी जा सकती है। दूसरी इस तरह से रोकी जा सकती है कि आप इसके लिए पात्र ना हों, जैसे कि आप पेंशन ले रहे हों या आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो, इस कारण से भी ये हो सकता है। या आप एक किसान ना हो, यानी कि जैसे कि एक किसान की जो एज होती है, हो सकता है आप किसान ना हो, पंजीकृत किसान ना हो, मतलब जैसे कि जो गवर्नमेंट के पास हमारा जो डेटा होता है तो उससे वो लोग चेक कर लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की चेक करने की होती है, ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी और हमारी जो पेमेंट वगैरह होती है उसकी जानकारी। तो दोस्तों, इसलिए आपकी जो है पेमेंट रोकी जा सकती है, तो इसलिए आपको पेमेंट नहीं मिल रही है। और इन सब के बावजूद अगर आप पात्र हैं, यानी कि आपको किस्तें मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए इस योजना का, तो आपको तहसील में जाना होगा, और अगर आपकी जो ज़मीन की डिटेल कोई गलत है उसमें, तो आप वहाँ से उसको सही करवाएं। और उसका एक और सॉल्यूशन मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं एक और स्टेटस के माध्यम से आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अब दोस्तों, सेकंड ये स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ भी सेम डिटेल, सेम जो है वही है, और देख सकते हैं आप इसमें भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रोकी गई है, तो इसका भी सेम प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। अब तीसरा ये स्टेटस आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र से ये है स्टेटस जो आप देख रहे हैं, इसमें आप आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड दिख रहा है,
और एक्सेप्ट कर रखा है, लेकिन आधार जो है आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का दिखा रहा है तो मैं आपको पहले इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपको दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं 23/6/2019 दिखा रहा है और PFMS रिस्पॉन्स डेट दिखा रहा है 10/7/2019, यानी कि ये पिछले साल का रजिस्ट्रेशन हो रखा है लेकिन पहली जो इंस्टॉलमेंट है रोक रखी है और साथ में आधार नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो दोस्तों उस टाइम क्या था, ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे थे और उस टाइम जो था आपका आधार नंबर जो है कंपलसरी नहीं था, यानी कि आधार नंबर जो है उसमें उस टाइम जो हमारा जो डेटा है उसको आधार नंबर से चेक नहीं किया जा रहा था। तो उस टाइम अगर आपका जो आधार है वो आपने अगर गलत भी दे दिया हो या उस टाइम जो था सारी डिटेल आधार की वो उसके साथ में क्रॉस चेक नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहाँ नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो अगर आपका आधार नंबर सही है और गवर्नमेंट अगर सिस्टम में इसको ऑटो वेरीफाई करती है तो ये कुछ ही दिनों बाद यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, दिखा देगा, वेरीफाइड दिखा देगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर खुद से इनको वेरीफाइड कर रही होगी तो यहाँ दिखा देगा, और अगर खुद से ना करे गवर्नमेंट इसको वेरीफाई तो इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। और इंस्टॉलमेंट रोकने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आपका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है, और दूसरे कारण जैसे कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो जानकारी आपने फॉर्म में दी होगी वो भी हो सकती है। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि हमारा CSC से होगा। तो मेरे पास CSC की ID है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों PM किसान का यहाँ एक सर्विस है, मैं PM किसान सर्विस पे यहाँ से क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों ये इस तरह का एक फॉर्म मेरे पास खुल जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसी तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप CSC का पोर्टल से जब आप PM किसान के पोर्टल पर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेक्ट योर आधार नंबर इन PM किसान, फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन, नाउ द बेनिफिशरी स्टेटस, मेक पेमेंट और स्टेटस रजिस्टर्ड फार्मर, रिपोर्ट लॉग आउट वगैरह यहाँ आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये सभी लोगों को नहीं दिखाएगा, जो CSC के थ्रू आएंगे उनको ये दिखाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेक्ट योर आधार नंबर, फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशरी स्टेटस यहाँ भी दिखा रहा है, मेक पेमेंट का यहाँ आपको दिखाता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से आप अपना आधार भी सही कर सकते हैं, आधार नंबर में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट योर आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है तो आपका आधार करेक्शन करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया इस तरह से अगर आपका दिखा रहा है आधार नॉट वेरीफाइड या फर्स्ट पेमेंट जो है आपकी स्टॉप दिखा रहा है, तो इस तरह से आपका अगर आपको भी स्टेटस में दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको दोबारा से भर लेना है। जैसे कि यहाँ आपको ये दिखा रहा है फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन आपने करना है और इस तरह का आपका ये फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी डिटेल्स भर दी हैं मैंने, और उसके बाद जब आप आपका जो आधार नॉट वेरीफाइड दिखाता है तो जब आप सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर में भर देता हूँ, और जब आप सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको उसके बाद थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस करता है, और उसके ही नीचे जहां सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं यस आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, तो ये आपका दिखा देता है इस तरह से। तो जब आप ये सब कर लेते हैं उसके बाद इसमें आपको अपनी और डिटेल डालनी है, और उसके बाद डिटेल्स इसमें डाल के आपने यहाँ एग्री करना है और सेव कर देना है। और जब आप इसको सेव करते हैं तो ये फिर से प्रोसेस करेगा आपकी पूरी जानकारी, ये एक बार अपने डेटा से मैच करेगा जो कि PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे आपका डेटा है। और यहाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ आपको दिखा देगा रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट और फार्मर ID इसमें दिखा देगा। तो फार्मर ID आपको यहाँ से दिखा देगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और उसके बाद दोस्तों ये क्या होगा कि जो आपका जो यहाँ आपने जो जानकारी दी है ये एक हिसाब से ये सेव हो जाएगी आपकी। और अगर आपने जैसे आधार का आपका दिखाएगा कि नॉट वेरीफाइड तो यहाँ से उसके बाद वो कुछ ही दिनों में आपका ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली जब आ जाएगा यहाँ तो आपका सिस्टम में भी ये आधार नंबर आपका अपडेट हो जाएगा, उसमें बेशक टाइम लगेगा लेकिन यहाँ से भी हो जाएगा। और एक और दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ है इसके बारे में, अगर आपका आपको किस्त नहीं मिल रही है या आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया है तो आप अपने परिवार में किसी और के नाम पे सेम इसी प्रोसेस से आप एक नया आवेदन भर सकते हैं, और यही प्रोसेस यही रहेगा सेम, यही आपको इसमें जानकारी भरनी है।
और यहाँ से आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो ऑनलाइन आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ज़रूर उसके बाद किस्तें मिलेंगी। अगर आपका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है या आपको किस्त नहीं मिल रही है, तो आपको इस तरह का ये एक नया रास्ता है, ये अपना आप सकते हैं और आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो कि आपके ही जो क्वेश्चन थे उनका मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, और CSC के माध्यम से कैसे आपने जो थोड़े बहुत जो बदलाव हैं वो कर सकते हैं, और CSC के माध्यम से जो भी नया अपडेट आएगा पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो के माध्यम से सारे अपडेट लेके आता रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।